शराब का धंधा बनाना है तो इसके लिए आवश्यक है कि साइड में कुछ कार्य हम करें। तो मैंने भी ये कृषि वानिकी को अपनाया हुआ है और इसको आप देखें कि लगभग पूरे प्लाट पे ऐसे दिखाएं आप थोड़ा सा आगे। देखिए आप, इससे ये फ़ायदा भी होता है कि जो गर्म हवाएं हैं गर्मी में, उससे हमारी फसल बचती है। साथ में दूसरा, शीत ऋतु में जो तुसार या पाला लगता है उसमें भी हमको फ़ायदा होता है। इससे कृषि वानिकी, कृषि के साथ साथ वानिकी, वृक्षों का रोपण अपने पारों के ऊपर किसान को करना चाहिए। ये क्योंकि आप देख रहे हैं खेती में अनेक फसलें होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अब इस वर्ष जो सोयाबीन है बहुत बुरे तरीके से प्रभावित हुआ है अतिवर्षा के कारण से। एक थोड़ा सा मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए आप, ये सोयाबीन की जो स्थिति है वो काफ़ी ख़तरनाक हो चुकी है। इससे कोई लाभ की आशा नहीं है, इसलिए मैंने कहा आपसे कि साइड में कुछ कुछ करते रहना चाहिए किसान को। अब आप देखें, ये मैंने पार पे अपनी नीलगिरी के झाड़ तो लगा के रखे ही हैं और पार के ऊपर ये पम्पकिन मतलब लौकी की पेड़ लगी हुई है। तो ये घर में उपयोग के लिए भी हो जाती है और हमारे जो साथी मित्रगण हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हरी सब्जी से विटामिन और मिनरल्स की आपूर्ति हो जाती है। आप देखेंगे मित्रों, ये सागौन के वृक्ष ये भी मैंने लगा रखे हैं। इनसे एक एग्रोक्लाइमेटिक जोन, जिसको बफर जोन भी कहते हैं, वो भी बनता है। और इससे जो पत्ते झड़ते हैं आप देख रहे हैं नीचे, बहुत ज़बरदस्त पत्ती निकली हुई है। तो मेरा आग्रह रहेगा सभी किसान भाइयों से कि वो कृषि वानिकी को ज़रूर अपनाएं। खेत में ना कर सकें तो अपनी मेहड़ के ऊपर वृक्षारोपण करें। ये नीलगिरी के पौधे दोस्तों मैंने 2 साल पहले लगाए थे, ये बहुत जल्दी डेवलप होता है पौधा। मैं आपको बताऊं, पहले मैंने सागौन के वृक्ष भी पौधे लगाए थे, पर उसमें एक जटिल समस्या आती है दोस्तों कि मंजूरी लेने में बहुत समय लग जाता है और आम किसान ये सब झंझट में पड़ना नहीं चाहता। तो इसलिए नीलगिरी के पौधे लगाएं आप, ये ओरिएंट पेपर मिल वाले बायबैक गारंटी से भी लगवाते हैं, पर ये मैंने सेल्फ लगाए थे। देखिए आप, ये 2 सालों में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हो गया है। मेरा मानना है कि अकेले कृषि वानिकी ही नहीं, कृषि वानिकी के साथ गौपालन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, जो भी जैसे जिसके समझ में आता है वो यदि करे तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। और हमारी जो खेती में बार बार समस्याएं आती हैं, कई बार तुसार पाला ये लगते हैं, ये इनसे बचाओ। और साथ में आजीविका पे भी अंतर नहीं आएगा।